मेरा सवाल ये है कि आज सिद्धू कहाँ खड़े? सिद्धू उस फैसले के लिए लगातार पार्टी के कार्यकर्ता पीठ थपथपा रहे हैं पार्टी आला कमान की। सिद्धू लगातार एक्सपोज करते आए कैप्टन को, सिद्धू घोड़ी चढ़ गए चन्नी। देखिए मेरी एक बात समझिए कि वो हाईकमांड बेटर जानती है, मैं कभी भी किंतु परंतु नहीं करता ऐसी। क्या रोका आपको बनने से, किसने रोका? मेरी एक बात समझिए जी, मैं बनूं कोई और बने, मैं तो कांग्रेस ना, मैं अध्यक्ष हूं तो क्या अध्यक्ष किसी से कम है? सोनिया मैडम ने सरदार मनमोहन सिंह को तब दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जब लोग कह रहे थे कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरिट को ऑनर किया, किया कि नहीं किया? और जब मुसीबत का समय आया, टफ सिचुएशन आई, व्हेन द सी वाज नॉट काम, तब राहुल जी आ गया। तो आप उनको जब ट्राई करेंगे किसी अच्छी सिचुएशन में, तब आपको पता लगेगा उनकी लीडरशिप। अभी तक तो वो मुसीबतें झेलते झेलते सुरखुरु हुए हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए मोहतरमा कि औहदे से इंसान नहीं होता, ये कुर्सी जो है ना, कुर्सी मिलने से बंदा नहीं बनता, बंदा इन कुर्सियों की शोभा बढ़ाता है, कुर्सी शोभा नहीं बढ़ाती। योगी आदित्यनाथ यूपी में कहते हैं कि सिद्धू को उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, वो जहाँ जाते हैं पार्टी का बेड़ा गर्क करते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बात समझिए, इसलिए नेता बार बार दिल्ली भागते हैं कि सिद्धू साहब से मुक्ति दिलाई। वहाँ बैठ के वो सिद्धू को याद कर रहा है, कुछ तो बात होगी सिद्धू में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, काहे का योगी भोगी है। समझे कि नहीं? और एक ऑटोक्रेटिक सरकार चल रही, उसको क्या पंजाब का पता है? 6 इलेक्शन उनके मामा ने जिताए मुझे, हाँ क्या जानते हैं वो पंजाब का? बेगानी शादी में योगी दीवाना। आगे चलिए। नहीं, क्योंकि बहुत सीरियस बात उनने कही कि क्या सीरियस आपने बात? आपने जनरल बाजवा, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से जाके वो गले मिले, जाके इस तरह के नेता को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस, तो उनके प्रधानमंत्री नहीं मिले? एक मिनट, उनके प्रधानमंत्री नहीं मिले नंगे पांव बगैर मुलाए? अपनी बार आऊं, करतारपुर का लांगा खुला, 14 करोड़ नानक नाम लेवा, आज भी कितने खुश हैं, उनको दर्शन का मौका मिलता है। हम अपनी जड़ से जुड़े, जब हम अपनी जड़ से जुड़े तो कितनी ताकत पाई इसका अंदाजा कोई क्या लगा सकता है, हाँ? इसलिए बेबुनियाद बातें, बेतुकी बातें करने का कोई फायदा नहीं होता। आपने इनिशिएट किया था, मतलब इनिशिएटिव किया था, किसी ने इनिशिएट नहीं किया, वो गुरु ने इनिशिएट किया था, पर क्रेडिट नहीं मिला आपको उसको। मैं कह रहा हूं क्रेडिट लिया ही नहीं, कौन मांगता है क्रेडिट? मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मैं मेरी नहीं है तू, यहां कोई मैं कहा था, मुझे बताना पड़ेगा, हाँ मीनिंग बताना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है कि जितना तुम में अहंकार होगा गुरु तुमसे उतना दूर होगा जी, और जितना तुम अपने अहंकार को मारते जाओगे, अपनी मैं को मारते जाओगे, उतना तुम्हारे समीप आएगा। यही धर्म की प्रकाष्ठा है। और सबसे बड़ी बात है, 72 साल की अरदास है, बिछड़े गुरुधामों को उनके खुले दर्शन दीदार कराने की। मेरे ताया मट्टी चोंपते थे और कहते थे कि मुझे दर्शन करना है। कोई मक्के के नजदीक 4 किलोमीटर दूर आपको कहे कि दूर से ही मत्था टेक दो, कैसा लगेगा आपको? इसलिए वो जातन लागे सोतन जाने, समझे? क्यों बनाना पड़ा फिर आईसीपी, क्यों बनानी पड़ी जी? 70,000 लोग जाके आए वहां, आज भी लोग जाते हैं। वो हमारे ईस्ट का गुरुद्वारा है जहां से सिखिज्म शुरू हुआ, वो हमारा मूल है, हमारी फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन को बूर पड़ा। कहा जा रहा है कि आलोचक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले गए प्रधानमंत्री और वहां पे कुछ इस तरह की घटना नहीं हुई, पंजाब आए तो राज्य सरकार इतना भी नहीं सुनिश्चित कर सकती थी। मोहतरमा रिपीट करने से क्या फायदा है, मैं टेप भर के दे देता हूँ, चलाते रहना कि 700 कुर्सियों
के ऊपर बंदे बैठे थे, 70,000 खाली पड़ी थी, बच के निकल आए, दोबारा कहलवाओगे? जी चलिए मैं दूसरी बात करती हूँ, मैं सिद्धूइज्म की बात करती हूँ। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सिद्धू साहब ने ये कहा था। मैंने तो बहुत कुछ कहा है, ना मैं गिरा, हाँ ना मैं गिरा मोहतरमा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा जी, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में हर शख्स बार बार गिरा। देख लो, 2-3 तो मुख्यमंत्री निपट लिए, कितने लोग निपट लिए, सिद्धू खड़ा है। क्यों खड़ा है सिद्धू? अकेले खड़ा है। अच्छा, अकेला आदमी 7 इलेक्शन जीतता है, 6 इलेक्शन? मोहतरमा अकेले? मोहतरमा एक बात समझिए, पीसीसी का प्रधान अकेला होता है? मतलब आपके पास कुछ कहने को नहीं मिलता तो धूड़ में टट्टू उड़ाते हो आप। आपको अगर कोई तथ्य नहीं मिलता तो हवाई बातें करते हो आप। टीआरपी नहीं मिलती तो गुलछर्रा छोड़ देते हो, कोई शगुफा छोड़ देते हो। जी मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आम आदमी, मैं कहता हूँ सिद्धू अकेले, मैं कहता हूँ नेवर, में अकेले हैं, पीसी में, मैं कहता हूँ नेवर बिलीव एनीथिंग फ्रॉम द एनिमीज टंग। जी मैंने कहा ना, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, सिद्धू का ही नाम क्यों लेते हैं? तो सिद्धू और चन्नी साथ साथ है? मैं कहता हूँ सारी कांग्रेस साथ साथ है, जहां उन्होंने उसको बोलना होता उसको बोलते हैं। मनीष तिवारी ने बोला, पंजाब नीड्स अ सीएम हु कैन टेक अप द चैलेंजेस एंड हैज अ कैपेसिटी टू मेक टफ डिसीजंस। पंजाब नीड्स सीरियस पीपल हुज पॉलिटिक्स इज नॉट सोशल इंजीनियरिंग, एंटरटेनिंग फ्रीबीज एंड नॉट रिजीम फेवरेट्स रिजेक्टेड बाय पीपल इन सक्सेसिव इलेक्शन। ये किसको बोला? चन्नी साहब का जो बयान था उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। अब ये पहेली है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो उनसे पूछिए। बस में चढ़ो ना मोहतरमा, फट्टी लगी होती है, सवारी अपने सामान की खुद जुम्मेवार है।